सर नो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ रावतिया, आई स्टडी इन 9th क्लास हिंदी स्कूल। हमारे भारत देश में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन होता है, जो एक महान विद्वान और आदर्श शिक्षक थे। दुनिया के विभिन्न देशों में अलग अलग दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारत देश में 5 सितंबर 1965 से मनाया जा रहा है। शिक्षक दिवस के दिन सरकार द्वारा कुछ महान शिक्षकों को सम्मानित भी किया जाता है। शिक्षक केवल एक किताबी ज्ञान नहीं देते, बल्कि एक अच्छा इंसान बनने में मदद करते हैं। थैंक यू हैप्पी टीचर। वो राहुल के जो शब्द है, वास्तव में समझने के लिए जिस चीज को मैंने बीच में स्टॉप किया था, वो इसका सार था कि जो शिक्षक राज्य स्तर या राष्ट्र स्तर तक जो सम्मानित होने तक पहुंचते हैं, उनकी पहचान केवल उनकी नहीं, ये विद्यार्थियों के मार्गदर्शन या विद्यार्थियों को प्रदान किए गए ज्ञान का भी एक जरिया होता है, और उसी की वजह से वो उस मंच तक पहुंच पाते हैं। अब इस कार्यक्रम की कड़ी में मैं आगे कविता पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ कक्षा 8 से छात्रा रेणुका। इसी कविता पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ कक्षा 9 की छात्रा सानू, जो अंग्रेजी भाषा में आज के इस कार्यक्रम के उपलक्ष में कविता का जरिया लेते हुए अपने विचार प्रस्तुत करेगी। Good morning, all respected teacher and all my friends. Today I am presenting a poem on teacher. When my teachers come to school, they look fresh and cool. Their words fall like a sun rays to teachers to make us to great. One day they always have a smile on their face. It allows us to learn at our own pace. They help us to move in our own way and teach us to grow day by day. Teachers cannot always be right, but unlike as they will never fight. Teachers have a special place in my heart for teaching in the finest form of art. Thank you. सुप्रभात मेरे प्रिय गुरुजनों और मेरे सहपाठियों, मेरा नाम मानसी है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मैं अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहती हूँ। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? 5 सितंबर भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती होती है, जबकि उन्हें भारत के पहले उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति होने के लिए जाना जाता है। इससे पहले उन्हें एक महान शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष डॉक्टर राधाकृष्णन की स्मृति में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत कैसे हुई? कहानी यह है, तब की है जब उनके छात्रों ने उनका जन्मदिन मनाने की अनुमति देने का अनुरोध किया, तो उन्होंने जोर देकर कहा कि अपना जन्मदिन अलग से मनाने की बजाय 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो यह मेरा सौभाग्य की बात होगी। उसके बाद 1962 से भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। धन्यवाद। खुशी कटियाल फ्रॉम क्लास 9। टुडे आई एम एक्सप्रेस माय थॉट ऑन टीचर्स डे। एवरी ईयर ऑन 5 सितंबर टीचर्स डे सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया एंड टीचर आर ऑनर्ड। टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ आवर फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ही इज रिमेंबर्ड ऑन दिस ओकेजन। दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू मेक टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप इवन बेटर, विच इज सेलिब्रेटेड विद अ ग्रेट पॉम्प इन स्कूल कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट। On this day, students wish for the long life for their teachers and also make various plans to congratulate the teachers. Students greet their teachers with gifts, greeting cards, pen, diary, etc. on this day. Thank you. Good morning everyone, Marshall Bramford from class 9, Hindi paragraph. जीवन में शिक्षक का किरदार बहुत खास होता है। वह किसी के जीवन में उस पर बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह होते हैं, जिस
जिसकी उपस्थिति मंच पर नहीं दिखती परंतु उसके होने से नाटक में जान आ जाती है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में एक शिक्षक की भूमिका होती है। चाहे आप किसी भी पड़ाव पर हो, पर शिक्षक की आवश्यकता सबको पड़ती है। भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। वह भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे जो कि इन असीम पदों पर हमेशा पहले एक शिक्षक थे। धन्यवाद। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अवकाश होने के कारण आज आपने मना रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है कि आप शिक्षकों को याद करते हैं। ये दिन एक महत्वपूर्ण दिन है। कोई भी दिवस मनाया जाता है तो उसके पीछे मंशा होती है, महत्व होता है, कोई आदर्श होता है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन को, जो एक बहुत ही अच्छे भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनकी वो एक शिक्षक थे, शिक्षक होकर के इस ऊंचे पद पर विराजमान हुए, तो उनका उनके सम्मान में ये दिवस मनाने का सरकार ने निश्चय किया। ऐसे अध्यापक और टीचर का संबंध बहुत ही मधुर है। इसमें दोनों की भूमिका अहम होती है। टीचर लेता कुछ नहीं है, सब कुछ बच्चे के विकास के लिए, बच्चे के भलाई के लिए, जो भी वो पढ़ाते हैं या कभी कभी गुस्से में वो दंड भी दे देते हैं। दंड क्यों देते हैं? उसकी आदत सुधारने के लिए, उसका जीवन सफल बनाने के लिए, कि जीवन में बहुत सारी चीज़ें आपके आती है, तो अभी से आपको एक अच्छे सुनागरिक तैयार करने के लिए शिक्षक अपनी तरफ से सब कुछ दे देता है। उसकी एवज में वो कुछ नहीं चाहता, वो एक सिर्फ इतना ही चाहता है सम्मान। तो आपको चाहिए कि अपने गुरुजी जो भी पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, वो भी आपको कभी कभी कोई शिक्षा देते हैं, तो गुरुजी का हमेशा आप सम्मान करें। यहाँ इस स्कूल में तो करना ही है, और बाहर भी बस सम्मान, रेस्पेक्ट। मेरे स्टाफ के मेंबर्स और बच्चों, कहने को बहुत कुछ सब लोगों ने कह दिया, मुझे जो बात आप लोगों से कहनी है वो सिर्फ एक ही है कि आप जहाँ जाएं, आपकी झलक के साथ विद्यालय की झलक नज़र आए। आप जहाँ जाएं वहाँ लगे कि केसर देवी से किसी अच्छी संस्था से पढ़ कर आए। और ये तब होता है जब आप हमारे दिए हुए निर्देशों को, हमारी दी हुई शिक्षाओं को मन में उतारने का प्रयास करते हैं, केवल ऊपर से नहीं। बहुत बुरा लगता है, डांट पड़ती है, पता भी है डांट पड़ती है तो बुरा लगता है, लेकिन कभी भी आपके मम्मी पापा आपको डांटते हैं तो आपके गलत के लिए नहीं, आपके अच्छे के लिए डांटते हैं। तो आप ये मानकर चलो कि विद्यालय भी एक परिवार है जहाँ जितने भी शिक्षक हैं वो आपके अभिभावक हैं, और अभिभावक अगर आपको कहेंगे, कुछ भी निर्देश देंगे, तो वो कभी आपके लिए अहितकारी नहीं होगा। गार्ड मांगा नहीं जाता, अपने आप दिया जाता है। अगर आप स्कूल में सम्मान देते हैं अपने शिक्षकों को, इसका मतलब आपका घर परिवार बहुत अच्छा है, क्योंकि 5 घंटे जहाँ आप विद्यालय में बिताते हो वहाँ ज़्यादा टाइम आप अपने घर पर बिताते हो। आप ये मानकर चलो कि जो संस्कार आप हमारे स्कूल में, जो बिहेवियर, जो व्यवहार आप स्कूल में करते हो, इसका मतलब उसकी छवि आपके परिवार की भी हमारे सामने आती है। हम कहते हैं ना, कैसे अच्छे परिवार की लड़की है या लड़का, देखो कितने अच्छे संस्कार है। उसके साथ होता किस अच्छे विद्यालय में पढ़ रहा है, जो उसको उतने अच्छे संस्कार मिल रहे हैं, दोनों बातें होती है।
आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ें या हिंदी मीडियम में पढ़ें, मीडियम मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि आपने क्या सीखा। इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल हर क्षेत्र में, लेकिन इंग्लिश होने का मतलब खुद को अंग्रेज मत बनाओ, रहो तो हिंदुस्तानी ही, रहो भारतीय ही। और जो भारत के हमारे संस्कार हैं कि बड़ों को आदर देना, बड़ों को प्रणाम करना, नमस्कार करना, तो मैं सिर्फ आज आपको शिक्षक दिवस पर एक ही बात कहना चाहती हूँ, शिक्षा के साथ साथ आपको संस्कार लेने बहुत ज़रूरी है। अच्छे से बोलो, ढंग से बोलो। हम आपको अगर आप कहते हैं, आप तू तड़ाक से आपस में बोलते हैं, बहुत गंदा लगता है ना, थोड़ा अच्छा बोलो, ढंग का बोलो। टीचर्स आए तो उनके सामने खड़े हो जाओ, कुछ नहीं घटना है इससे, और आपके खड़े होने से कोई टीचर का 2 किलो वजन नहीं बढ़ जाएगा कि वो हमारे। लेकिन जब आप उन्हें सम्मान देते तो उनको खुशी होती कि हम जो इनको सिखा रहे हैं उसको सीख को ये पालन कर रहे हैं, या वो इनको पढ़ाई अच्छी लग रही है। आपको नहीं समझ आता, आप टीचर से 4 बार पूछो, कभी नाराज़ नहीं होंगे। एक अच्छा शिक्षक कभी नाराज़ नहीं होता है उसके अगर शिष्य उसको कुछ भी पूछते हैं तो, क्योंकि हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। अब आज मुझे कहा जाए नई टेक्नोलॉजी मुझे नहीं आती, सर दिनेश जी बना देंगे, अभी आपकी न्यूज़ तैयार हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा।